मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, वो मुझे सुनना चाहते हैं। मैं कह रहा था कि ये शिकायत की गई है और इसके लिए मुझ पर आरोप लगाया है कि मैंने राजनीतिक नैतिकता का पालन नहीं किया। संसद की बैठक चल रही है, प्रतिदिन सदस्यों को, प्रतिपक्ष को सरकार के विरुद्ध मतदान करने का अवसर मिलने वाला था। बधाई दे दीजिए। प्लीज डोंट डिस्टर्ब हिम, प्लीज। मुलायम सिंह जी प्लीज। When the leader of this house is speaking, then don't disturb him. And the time the opposition also. सदन में आज चंद्रशेखर साहब का बर्थडे। किसका? चंद्रशेखर साहब जी का। बहुत बहुत बधाइयाँ। आज शुभ काम करें जन्मदिन। अध्यक्ष महोदय, लगभग 40 साल से मैं संसद से जुड़ा हुआ रहा हूँ। मैंने अल्पमत की सरकारें भी देखी हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के जमाने में अल्पमत की सरकार थी, किसी ने उन पर आरोप नहीं लगाया कि वो नैतिकता का उल्लंघन कर रही हैं। श्री नरसिंह राव जी भी अल्पमत की सरकार चलाते रहे थे। उस अल्पमत को बहुमत में बदलने के लिए क्या क्या किया गया, इस कहानी में मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन अगर प्रतिपक्ष मेरे बहुमत को कसौटी पर कसना चाहता था तो स्वयं प्रस्ताव ला सकता था। अभी तक मेरी ये समझ में नहीं आया कि महामहिम राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाने के बजाय प्रतिपक्ष इकट्ठा होकर मेरे खिलाफ प्रस्ताव क्यों नहीं लाया। जब राष्ट्रपति जी ने कहा कि आपको विश्वास प्राप्त करना चाहिए, हम तत्काल तैयार हो गए। दो दिन बहस चली है, अब समाप्ति होने जा रही है। बहस और भी अच्छी हो सकती थी। हम संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करते हैं और हैं भी, लेकिन हमारी संसद देखकर अभी अभी जो देश लोकतंत्र की धारा से जुड़े हैं वो क्या अनुभव करते होंगे, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। हमारा सार्वजनिक जीवन आरोपों और प्रत्यारोपों के घेरे से कब उठेगा? आरोप लगाए जाए तो उनकी पुष्टि में
कुछ कहा जाना जरूरी है। प्रेस में या मीडिया में जो कुछ छपता है उसको दोहरा दिया जाए, ये एक तरीका हो सकता है, मगर बहुत अर्थपूर्ण तरीका नहीं है, बहुत कारगर तरीका नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अभी 13 महीने हुए हैं मेरी सरकार, हमें कसौटी पर कसा जा रहा है। मैं बड़ा अनुभवी राजकर्ता हूं, ऐसा मैंने कभी दावा नहीं किया, लेकिन ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहता हूं, यह दावा जरूर है। जब मैं प्रतिपक्ष में था तब किसी ने मेरे ऊपर यह आरोप नहीं लगाया कि मेरे किसी कार्य से देश के हितों को आंच पहुंच रही है। तो क्या सत्ता में आने के बाद मैं बदल गया हूं? क्या सत्ता इतना परिवर्तन करती है? तब तो जो 40 साल सत्ता में रहे उनकी दशा क्या होगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जिन परिस्थितियों में चुनाव हुए, चुनाव के परिणाम आए, एक मिलीजुली सरकार बनना निश्चित था। अंत समय में भी हमने राष्ट्रपति जी को कहा था कि जितनी संख्या होनी चाहिए, और लोकतंत्र संख्या का खेल है, हमारे पास नहीं है, अगर कोई और सरकार बनाने में समर्थ है आप निमंत्रण दीजिए, हम थोड़े और दिन प्रतिपक्ष में बैठ लेंगे, लेकिन कोई सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं था। 13 महीने बाद तैयार हो गए, अच्छी बात है। मुख्य प्रतिपक्ष ने कहा कि हम रचनात्मक विरोध करेंगे, हम किसी को साथ नहीं लेंगे, किसी के साथ नहीं जाएंगे। हम उस घड़ी की प्रतीक्षा करेंगे जब हमें स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो। ऐसा लगता है कि पचमढ़ी बहुत दूर रह गई है। नए गठबंधन हो रहे हैं, हमारे गठबंधन पर टिप्पणी की गई है, हम तो मिलकर चुनाव लड़े थे। अधिकांश दल मिलकर चुनाव लड़े थे, एक कार्यक्रम के आधार पर लड़े थे। शासन की बागडोर संभाली तो नेशनल एजेंडा देश के सामने प्रस्तुत किया, लेकिन आज हमें हटाने के लिए, और यह निषेधात्मक रवैया है, नकारात्मक रवैया है, ऐसे दल इकट्ठे हो रहे हैं जिनके बीच विचारों का कोई साम्य नहीं है। हम तो प्रारंभ से ये कहते रहे हैं
कि भारत की राजनीति जिस तरह का मोड़ ले रही है उसमें क्षेत्रीय दलों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। क्षेत्रीय दलों का उभार यह हमारी विविधता का परिचायक है। यह इस बात का भी संकेत है कि जो अपने को अखिल भारतीय दल कहते हैं वो प्रदेशों की आशाओं और अपेक्षाओं का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सके। तेरह महीने हम सरकार चलाते रहे, अनेक क्षेत्रीय दल हमारे साथ हैं जो बाद में हमें छोड़कर चले गए, उन्होंने भी ऐसा रवैया नहीं अपनाया जो देश की एकता के लिए या अखंडता के लिए आपत्तिजनक हो। देश की एकता में उनका विश्वास डिगा नहीं, ये एक अच्छा लक्षण है, शुभ लक्षण है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 98 के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रीजनल पार्टीज की जिस तरह से निंदा की वो स्वस्थ दृष्टिकोण का परिचय नहीं देती है। मैं उद्धृत कर रहा हूं, By their very nature, regional parties lack a national perspective. And can never rise above local ethnic considerations. They adopt populist platforms for coming to power. They incite narrow linguistic or ethnic sentiments. Very soon these agendas become a recipe for economic disaster and social turmoil. अगर क्षेत्रीय दलों के बारे में ये आकलन है तो उनके साथ गठबंधन आप कैसे करेंगे, किस आधार पर करेंगे? क्षेत्रीय दलों के अलावा कांग्रेस ने रीजनल पार्टीज के बारे में टिप्पणी की, मैं उसे भी उद्धृत कर रहा हूं, हमारे वाम मार्गी मित्र उसको सुन लें। एज फॉर द लेफ्ट पार्टीज, इवन आफ्टर 7 decades द CPI एंड द CPM हैव नॉट बीन एबल टू इंटेग्रेट देमसेल्व्स इनटू द नेशनल मेन स्ट्रीम। ये गंभीर आरोप है, ये कांग्रेस मैनिफेस्टो का हिस्सा है, उद्घोषणा है। अब शायद इसीलिए गठबंधन हो रहा है कि लेफ्ट पार्टी को नेशनल मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश हो रही है। जनता दल असमंजस में था, पता नहीं उसने क्या फैसला किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जनता दल का जिस भाषा में उल्लेख किया उसे जनता दल के मित्रों को फिर से याद करना चाहिए। मैं उद्धृत कर रहा हूं, द जनता दल वॉज बॉर्न इन ए कन्वल्सिव फिट ऑफ एंटी कांग्रेसिज्म इन 1989। इट इज ए कलेक्शन ऑफ डिस्पेरेट ग्रुप्स एंड एम्बिटेड इंडिविजुअल्स ड्रिवन बाय ईगोस। इट कैन हार्डली बी कॉल्ड ए सीरियस पॉलिटिकल फॉर्मेशन। Like an amoeba, it lives on splitting itself into smaller and smaller groups. Its platform of social justice is hollow
एंड इज जस्ट ए मिसलीडिंग कवर फॉर द प्रैक्टिस ऑफ ए डिविजिव कास्ट पॉलिटिक्स अनकोट। अगर मिलन का यह आधार बनने वाला है तो फिर स्थिरता की बातें कोई अर्थ नहीं रखती है। मेरी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई है और उसके लिए और मेरी सरकार पर यह आरोप भी लगाया गया है कि इसमें अंतर्विरोध से ग्रस्त पार्टियां हैं। आप जिस ढांचे को खड़ा करने का विचार कर रहे हैं और जो पूरा नहीं होगा, वो क्या एक विचार से अनुप्राणित है? क्या कोई कार्यक्रम है? क्या नेतृत्व एक है? उस दिन श्री लालू प्रसाद जी ने कहा कि आप हट जाइए, हम ये 5 मिनट में नहीं, एक मिनट में विकल्प खड़ा कर लेंगे। क्या उसके बारे में सदन को विश्वास में नहीं लिया जाना चाहिए? क्या देश को यह जानने का अधिकार नहीं है कि जनादेश से बनी हुई सरकार को आप हटाने की बात कर रहे हैं? ये जनादेश से बनी है? अगर किसी को जनादेश था तो वो हमको था, आपको तो नहीं था। परसेंट 13 महीने के कार्यकाल में हमने अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का प्रयास किया है। प्लीज, देयर शुड नॉट बी एनी रनिंग कमेंट्री, प्लीज। व्हाट इज दिस? नेशनल एजेंडा है। नो रनिंग कमेंट्री प्लीज। हमने उसके आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास किया है। नेशनल एजेंडा 5 साल का कार्यक्रम है। उसे निश्चित कार्यावधि में पूरा करने का हमारा इरादा है। क्या कोई इस बात से इनकार कर सकता है कि हमने जब सत्ता संभाली तो देश की जो स्थिति थी उस स्थिति में सुधार हुआ है? चाहे वो देश की सुरक्षा का सवाल हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का प्रश्न हो, अन्य देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों का मुद्दा हो, हमारा दावा ये अधिकारपूर्ण दावा है कि हमने हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास किया और उसमें सफलता पाई है। मुझे आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई, पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था
जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था, हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है वो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है। कोई छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था। अध्यक्ष महोदय, परमाणु परीक्षण के बारे में श्री चंद्रशेखर जी ने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। मुझे खेद है कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकता। उनके चिंतन की एक विशिष्ट धारा है। लेकिन 50 साल का हमारा अनुभव क्या बताता है? क्या रक्षा के मामले में हमें आत्मनिर्भर नहीं होना चाहिए? केवल एक पड़ोसी नहीं, हमारे अनेक पड़ोसी हैं। इस समय यूरोप में क्या हो रहा है वो एक चेतावनी है। पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए। वो क्रेडिबल भी होना चाहिए।